जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के पहल पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रोजगार भर्ती कैंप का आयोजन सिमडेगा कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया, जहां 1400 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जिनका टेस्ट लिया गया। जो सफल होंगे उनकी नियुक्ति होगी। मौके पर केंद्रीय मंत्री के सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव ने कहा कि माननीय अर्जुन मुंडा जी की सोच है कि खूंटी सहित झारखंड के सभी जनजातीय सहित सभी वर्गों के छात्राओं को उनके हुनर के अनुसार रोजगार उपलब्ध हो। इस दिशा में अर्जुन मुंडा जी की पहल पर टाटा कंपनी ने पहली बार सिमडेगा में भर्ती कैंप का आयोजन किया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भी इस तरह का अवसर सिमडेगा को मिलता रहे, जिससे ट्रैफिकिंग का दाग सिमडेगा जिला से खत्म हो सके, यहाँ की पढ़ी लिखी छात्राएं शोषण की शिकार ना हो और एक इज्जत भरा जिंदगी जी सके। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म उत्सव पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। उसी के तहत आदरणीय केंद्रीय मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा जी के द्वारा सिमडेगा जिला में एक सुनहरा उपहार प्रदान किया गया है। यहाँ के सभी बच्चियों का जो प्लस टू हैं, 18 वर्ष से 21 वर्ष आयु पूरी की हैं, उनको आज एक नौकरी से जोड़ने का अवसर मिला है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इनको डायरेक्ट नौकरी में लिया जा रहा है। हम सब जानते हैं सिमडेगा जिला ऐसे भी ट्रैफिकिंग के लिए, मानव तस्करी के लिए बदनाम रही है, लेकिन आज हम सब मिलकर इस तरह से आयोजन किए हैं कि आने वाला समय सिमडेगा जिला रोजगार के लिए भी जाना जाएगा। मैं पुनः अपने मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।